हाय गाइस, आई एम दीपक पाल, हेड कोच ऑफ इंदौर क्रिकेट क्लब। आज का हमारा टॉपिक है हैंगिंग बॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हमारे पास हैंगिंग बॉल है और एक बैट्समैन है। आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। बैठ दीजिएगा। सो गाइस, हैंगिंग बॉल पे हमको सिर्फ सिंपल सा ना डिफेंस का ड्रिल करना है। तो सिर्फ फ्रंट फुट चलेगा हमारा। शॉर्ट में हमको सिर्फ टैप करना है बैट को, कोई पावर नहीं लगानी है। कंटिन्यू हमारा लेग्स चलेगा, लेग्स मूवमेंट का पूरा गेम है ये। तो ये ड्रिल नंबर 1 है। तो आपको मैंने एक बार बता दिया है करके, आप एक बार कीजिए। आप वेट, आप पीछे हो थोड़ा, और जितना हो सके उतना सॉफ्ट एंड से इसको सिर्फ टैप करना है। हाँ, और स्टांस लो, प्रॉपर स्टांस लो, ठीक है। और स्लो, कंट्रोल करो, कंट्रोल बॉल पे कंट्रोल करो। कभी भी इस तरीके से आइट साइड चले ना, उसको रोक दो, फिर रिस्टार्ट करना। और स्लो, वेट जरा। हमने हमारा पूरा स्टांस लिया, सिंपल सा इसको टैप कर दो और स्लो टैप करना है। हाँ, टॉप हैंड से खेलना, बॉटम हैंड का यूज ही नहीं करना हमको, वो कोई पावर नहीं लगानी, सिर्फ बैट और बॉल का कांटेक्ट होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। और फुट मूवमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। आपने इसको बॉल पे कंट्रोल कर लिया या बॉल को कंट्रोल कर लिया तो आपका सही आने लगेगा, सिर्फ टॉप हैंड से इसको करने कंटिन्यू करना है, ठीक है। और स्लो, फुट मूवमेंट जल्दी करोगे ना तो ये बॉल तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, फुट मूवमेंट का ही गेम है पूरा। और स्लो, देखो बॉल वापिस से हिलने लग गया है, फिर वापिस से स्टार्ट करना रहेगा इसको। ठीक है, स्टॉप। सो गाइस, ये ड्रिल नंबर 1 थी। ड्रिल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ड्रिल नंबर 2 में कुछ भी नहीं है, अभी तक अपन बोथ हैंड से कर रहे थे, अब इसमें टॉप हैंड से करना है। सिंपल स्टांस लेना है, इसके पहले अभी तक मैं जो कर रहा था सबसे ऊपर से, अगर आप इसको नीचे से कर, बॉडी का बैट का बैलेंस नहीं है तो आप थोड़ा सा नीचे से पकड़ लीजिएगा कुछ इस तरह से। बैट नीचे से पकड़ो और थोड़ा नीचे, अपना फुट पहले से आगे लेके आ जाओ, ठीक है। सिंपल टैप और स्लो, ठीक है। गाइस, अभी स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहा है, इसके साथ साथ ये फुट मूवमेंट भी कर सकता है, अभी बिगनर है तो इसलिए स्टैंडिंग पोजीशन में मैं करवा रहा हूँ। अब इसे मैं चेंज करता हूँ, वेट। अब इसी के साथ फुट मूवमेंट के साथ टैप करना है, आपका फ्रंट फुट कंटिन्यू आना चाहिए, ठीक है। जल्दी लेट हो जाओगे, पावर लग गया। और स्लो, सीधा, बैट आपका सीधा आना चाहिए, ये कंटिन्यू जाएगा। फुट भी चलाओ आगे पीछे, ठीक है। इसको अब टाइट पकड़ना रहेगा आपको, मैं एक बार वो करके दिखा दूँ। सो गाइस, जैसे आपका आज फर्स्ट डे है तो आपको सिंपल सा है ना, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में आपको टैप करना है। आप कंटिन्यू करना चालू कर दोगे एक हफ्ता, दो हफ्ता, या फिर आपका जब भी रूटीन में आ जाएगा उसके बाद आपको फुट मूवमेंट के साथ करना रहेगा,
आप जैसी पावर लगा दोगे बॉल बाउंस कर जाएगा, इसलिए हमको जितना सॉफ्ट हैंड से कर सके उतने सॉफ्ट हैंड से हमको टैप करना है और बैट को सीधा लाना है। अधिकतर मेरे स्टूडेंट का ये बैट काफ़ी ऐसा टेढ़ा आ रहा था, इस तरीके से बॉल की लाइन में भी आना है। क्या होता है कि हम कंटिन्यू एक ही लाइन में हम फुट मूवमेंट करते हैं, जब बॉल की दिशा भी थोड़ी बहुत चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा पैर आगे पीछे जाएगा। ये गया, हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तो हमको आगे पीछे भी होना रहेगा। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आप आउट साइड खेलने के बिल्कुल स्ट्रेट में खेले कुछ इस तरह। सो गाइस, मैंने आपको जो भी ड्रिल बताई तीनों ड्रिल फ्रंट फुट के लिए रहेगी, बैकफुट के लिए मैं आपको आने वाले पार्ट में बता दूंगा। अभी आपको सिंपल से तीन ड्रिल बताई, इसी को आपको कंटिन्यू आपको एक हफ्ते दो हफ्ते या फिर आप जब तक नहीं आ रहा एक महीने तक आपको फॉलो करना है, फिर उसके बाद आप बैकफुट पे आइएगा। पहले आप कंटिन्यू फ्रंट फुट का कीजिएगा फिर बैकफुट कीजिए। बैकफुट के लिए मैं बहुत जल्दी इसका एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अधिकतर बैट्समैन की बॉल एयर में जाता है, अधिकतर बैट्समैन का टॉप एंड से इसका बैलेंस नहीं बनता, ये बैट हिलता है। आप कंटिन्यू इसका वर्कआउट बता दूंगा मैं आपको किस तरीके करना है। बाकी आप कभी हैंगिंग बॉल से करते हैं तो आपका ये जो प्रॉब्लम आता है जो टॉप एंड से बैलेंस नहीं बनता है, या फिर आप जो भी ड्राइव करते हो तो बॉल एयर में जाता है, इसलिए आपका टॉप एंड थोड़ा आप बोल सकते हैं आपके नॉर्मल लैंग्वेज में कि मजबूत हो जाएगा, तो आपके शॉट्स आपके प्रॉपर आने लग जाएंगे। तो मेन ये टॉप एंड की ड्रिल है और साथ ही साथ आपका जो आप बॉल कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपको बॉल जजिंग की प्रॉब्लम आती है, प्लस आपका फुट मूवमेंट की बात करते हैं तो फुट मूवमेंट आपका आता नहीं है, आप क्विकनेस नहीं आती है, तो आप हैंगिंग बॉल पे कभी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि हैंगिंग बॉल एक बार चले गया तो दोबारा ही बहुत जल्दी आता है। तो उसके लिए हमको जितना हो सके फास्ट तरीके से करना, टैप करा हमको जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी हमारा फुट मूवमेंट अच्छा होगा। तो बेसिकली ये फुट मूवमेंट के लिए भी ड्रिल माना जाता है और प्लस टॉप हैंड के लिए भी माना जाता है। इसके काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन आपको बेसिक बेनिफिट मैंने बता दिया है और आने वाले वीडियो में हम बैकफुट की बातें करेंगे। तो आपको होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।